बंद कर देंगे। अब अगर हम फाइल ओपन करना चाहते हैं तो कुछ ट्रबल आ सकती है, कुछ दिक्कतें भी आ सकती है, जैसे फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। अगर हम एक ऐसी फाइल को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं एफ ओपन से, तो फाइल ओपन ही नहीं हो रही है। अगर हम रीड ओपन से कर रहे हैं, ये हो सकता है कि वो जो डिस्क, वो जो फाइल है उसका नाम गलत दिया हो, हो सकता है वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती हो, राइट। इसी तरीके से अगर आप राइट के लिए ओपन किया आपने, तो हो सकता है कि आप राइट करने की कोशिश करें और आपके डिस्क में इतनी जगह ही नहीं ना हो, आप राइट कैसे करेंगे। हो सकता है कि जो डिस्क है आपकी प्रोटेक्टेड हो, रीड ओनली हो। तो अल्टीमेटली बात यह हुई कि जब हम फाइल के साथ डील करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर बार सक्सेसफुल ऑपरेशन हो जाए, तो आपको चेक करना पड़ता है कि कहीं ऑपरेशन फेल तो नहीं हो गया। तो एफ ओपन फंक्शन ये रिटर्न करता है नल, ध्यान रखिएगा ये भी हमारा stdio.h में डिफाइंड है, जिसे हम हैश डिफाइन नल जीरो, अगर आप ये फाइल .h खोलेंगे तो आपको ये दिखाई देगा, तो वहां पर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये जो कुछ दिक्कतें आ सकती हैं उनको हैंडल कैसे करना है, जैसे आपने कहा stdio.h हैश इंक्लूड, यहां पर आपने एक ये स्ट्रक्चर है बेसिकली फाइल पॉइंटर बनाया, और इस pr1.c को रीड मोड में ओपन करके एफ ओपन से आप fp पॉइंटर पे दे दिया। अगर ये fp नल आता है, यानी कि ये जीरो आता है, देखिए मैक्रो ही तो है, अगर बाय चांस fp में कुछ नहीं आता है, नल आता है, तो आप सीधे बताइए कि देखिए साहब हम फाइल को ओपन नहीं कर पाएंगे और प्रोग्राम से बाहर निकल जाइए।